शादी करते थे छोड़ दी, जॉब करते थे एमबीए किया था छोड़ के चले गए। क्यों? मैंने कहा ऐसी कंपनी ढूंढी है जिसका सीईओ कायनात का ईमान रहेगा। अब आप इस आलम में मादा की बातें करते हैं, वो तो मलाकूत पे बर्बाद करवाता है। अजान मतलब इमाम को समझे, जब इमाम समझ में आ गया फिर यजीद क्या, यजीदियत जैसी पूरी दुनिया में खड़ी हो जाए, ये तीरों को सीनों पे ही खाएंगे। ये इमाम दबाने की जरूरत नहीं है, अभी तो दुनिया को बहुत कुछ दिखाना है हमने, अभी तो टेस्ट ड्राइव शुरू हुआ है। एक से घबरा रहे हो, 313 आए तो क्या होगा? एक ऐसा था कि चार मुल्कों को चला रहा था, एक और ऐसा नहीं कि चला गया तो मामला खत्म हो गया। हमारे यहां शहादत हयात है, जब जिंदा होता है ना आदमी तो रूह की कैद में होता है, जब शहीद होता है तो रूह आलम पे हाकिम हो जाती है। आप देखिए उसके बाद खौफ ऐसा कर दिया, ऐसे पड़े मिजाइल जाके कि अब समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा ये मामला किसी कौम और मिल्लत और बाउंड्रीज का नहीं है कि लोग बोले, मुल्क का मामला ही नहीं है, आइडियोलॉजी का मामला है, नजरिए का मामला है। खुद शहीद कासिम सुलेमानी ने कहा, मां मिल्लत इमाम हुसैन हस्ती, हम इमाम हुसैन की मिल्लत है, हम शहादत परवर कौम है, तुम हमें जनजट रहते हो। जब शहीद कासिम सुलेमानी परवाज कर रहे थे सीरिया से इराक आखिरी परवाज, तो लड़कों ने कहा मत चाहिए, हालात हमें ठीक नहीं लगते, तो मुस्कुराने लगे। कहा जिसने 40 साल गली गली में शहादत को ढूंढा हो तुम उसे शहादत से डराओगे? कैसी शहादत? तारीख बशरियत में इतना बड़ा जनाजा, तारीख बशरियत कह रहा हूं, तारीख इस्लाम, इमाम खुमैनी का जनाजा था सबसे बड़ा, वो भी सिर्फ तेहरान था। ये कई शहरों में 60 लोग सिर्फ किरमान में मर गए। मुझे एक साहब ने बाहर से मैसेज किया, दुनिया लोग में गए, क्या फायदा हुआ मौलाना 60 लोग मर गए? मैंने कहा तुम 60 की बात करते थे, यहां पर 6 करोड़ मरने को तैयार थे, तुम्हें पता क्या शहीद कहते हैं किसे? इससे खौफ अजीब अजीब से लोगों को बिठा देते हैं, हम भी सुन लेते हैं, घर चले जाते हैं। खौफ यही है, वाजे करें खौफ किस चीज का। करबला का जिक्र क्यों सुनते हैं? क्या सुनते हैं करबला में? एक आप एक बातिल है, आज हम कहां है, आज बातिल कहां है, आज यजीद कौन है? अगर हिम्मत नहीं, अगर खौफ है तो फिर माजरत कर ले इमाम से, मौला हमसे नहीं होता, हमें डर लगता है, मुझे मेरे बच्चे प्यारे हैं, मेरी औलाद प्यारी है, मेरा घर प्यारा है। करबला की पहली शर्त मैंने पिछले साल भी आपको कही थी, असाबों ने वो ले लिया बहुत ज्यादा। पहली शर्त करबला की, जो खुद इमाम फरमाते हैं, अपने खून का वजन करो, खून तो ले सकते हो, पहली शर्त। मसलियत है ही नहीं, इमाम ने बात ही नहीं ऐसी की कि आप बोले अच्छा ये अच्छा ना, वन ऑप्शन ओनली, खून ले सकते हो, जान ले सकते हो, ले सकते हो पहली चीज, अगर ये कर सकते हो तो बाकी शर्तें बात नहीं है।